हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडेज आवर टॉपिक इज रूल्स ऑफ इंटरजेक्शन। इससे प्रीवियस वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो हमने इंटरजेक्शन को पढ़ा था, उसके कुछ एग्जांपल्स एंड 10 टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन को कंप्लीट किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ इंटरजेक्शंस, ताकि आपको पता चले कौन कौन से रूल्स होते हैं इंटरजेक्शन में। तो नाउ हेडिंग लिखते हैं रूल्स ऑफ इंटरजेक्शंस। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं होते जो कि यूज होते हैं इंटरजेक्शंस में, बट मोस्ट ऑफन ये जो होते हैं कब देखे जाते हैं, अपियर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ओके, दीज वर्ड्स आर यूज टू फॉर्म एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बताया था मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं ये। तो कुछ रूल्स हैं फिर भी, बट पर्टिकुलर रूल नहीं है। ये मोस्टली कहाँ पर होते हैं, हमारे बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, इसको रब कर देते हैं। तो फर्स्ट क्या है, एन इंटरजेक्शन कैन बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर। कब यूज होता है, बिफोर योर आफ्टर किस में, अ स्टेटमेंट के, जो कि एक्सप्लेन क्या करता है, डेट एक्सप्लेन्स व्हाट इज हैपनिंग। ओके, तो ये वाला फर्स्ट रूल नंबर वन क्या कह रहा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रूल नंबर वन। तो रूल नंबर वन कहता है कि इंटरजेक्शन यूज होते हैं बिफोर एंड आफ्टर आ स्टेटमेंट, जो कि एक्सप्लेन करता है कि सेंटेंस में बात क्या हुई है, हुआ क्या है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देखूँ तो अगर मैं एग्जांपल देखूँ तो क्या लिखा है मैंने, वाओ दिस इज एन इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल सीन। ओके, तो क्या बोला है मैंने, वाओ दिस इज एन इनक्रेडिबल सीन, ये बहुत अच्छा सीन है। तो मतलब ये हमारा किस लिए यूज हो रहा है, तारीफ करने के लिए, जॉय के लिए, खुशी के लिए यूज हो रहा है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखूँ, व्हाट दैट्स something you never told me, what है, सॉरी मैंने यहाँ पे लगा दिया ना, ये तो गलत हो जाएगा, नहीं तो इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, वॉट के आगे सबको पता है, बेसिक सी बात है। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारा, what that something you never told me, इसमें मतलब हैरानी हो रही है इसमें, और इसमें सरप्राइज की बात हो रही है, जॉय की बात हो रही है। तो आपको क्या पता चला कि हमें ये बता रहे हैं कि बिफोर में यूज़ किया है हमने यहाँ पे, कि एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है, जो सीन है वो बहुत अच्छा है, और इसमें क्या बता रहा है कि जो तुमने मुझे कभी नहीं बताया, वो उस चीज़ की बात हो रही है। तो रूल नंबर टू देखते हैं हम, सम इंटरजेक्शंस आर लिमिटेड टू एक्सप्रेसिंग यस और नो। कुछ इंटरजेक्शंस होते हैं जो कि सिर्फ यस और नो से ही बता देते हैं।
लिमिटेड टू एक्सप्रेसिंग यस और नो। तो क्या होता है, यस आई एम श्योर आई विल पुल इट ऑफ। तो ये क्या बोल रहा है, यस आई एम श्योर आई विल पुल इट ऑफ। ऑफ बताया था ना मैंने, ऑफ वाला ऑफ नहीं है ये, डिस्कनेक्शन वाला, डिटैचमेंट वाला ऑफ है। तो ये क्या बोल रहा है, यस आई एम श्योर आई पुल इट ऑफ। ओके हाँ, मैं मतलब मैं श्योर हूँ कि मैं उसको बंद कर दूंगा, रख दूंगा। तो दूसरा सेंटेंस क्या है, नो वे आर वी गोइंग। तो दूसरा सेंटेंस है हमारा, बताइए इसमें से हमारा इंटरजेक्शन कौन सा है। तो ये सेंटेंस कह रहा है नो वे आर वी गोइंग, इसमें इंटरजेक्शन है, इसमें तो आपको अलग दिख रहा होगा यस है, इसमें क्या है नो वे। तो ये बोल रहा है कि हम किसी भी तरह नहीं जा रहे हैं, नो वे आर वी गोइंग। ओके तो यहाँ पे आ जाएगा नो वे आर वी गोइंग, ये यस में बताया है, इसने नो में बताया है, किसी भी तरह नहीं जा रहे हैं। ओके अब रूल नंबर 3 पढ़ते हैं जल्दी से। सम इंटरजेक्शन आर यूज टू ब्रेक अप आ कन्वर्सेशन, सम इंटरजेक्शंस आर यूज टू ब्रेक अप आ कन्वर्सेशन और आ थॉट और ग्रैब अटेंशन, लिख देती हूँ कि अटेंशन अपनी तरफ लेना चाहते हैं वो दूसरों की। ठीक है तो इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो ये रूल नंबर 3 कह रहा है कि कुछ इंटरेक्शन होती हैं जो कि कन्वर्सेशन को ब्रेक कर देती हैं, या फिर कोई थॉट होता है, या फिर किसी का अटेंशन हम अपनी तरफ रख रहे होते हैं। ऑन द बैक ऑफ योर शर्ट, ऑन द बैक ऑफ योर शर्ट यू एम, अभी मैंने बताया था इसको क्या पढ़ते हैं, देयर इज अ स्टेन। हाँ पर स्टेन मतलब क्या होता है, धब्बा। तो ये वाली जो हमारी, इसमें बताइए इंटरजेक्शन कौन सा है, ये है इंटरजेक्शन यू एम, इसमें इंटरजेक्शन का है यू एम, जो कि एक्सप्रेस कर रहा है, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, हमारा कंफ्यूजन को। ये वो एक्सप्रेस कर रहा है कि जो ये बोल रहा है वो उसको सोच भी रहा होता है, ठीक है, थॉट को एक्सप्रेस कर रहा है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, थॉट को। तो इसने क्या बोला, ऑन द बैक ऑफ योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट के पीछे हम देयर इज अ स्टेन। तो ये बता रहा है उसको, ठीक है, थॉट मतलब ये सोच के बता रहा है, सोचते हुए बता रहा है। अगर हम रूल नंबर 4 देखें अब, इन कैजुअल एंड इनफॉर्मल राइटिंग, अगर हम इन कैजुअल
और इनफॉर्मल राइटिंग इंटरजेक्शंस तो होते हैं एक्सेप्टेबल, आर एक्सेप्टेबल. ओके, तो कैजुअल में क्या बता रहे हैं कि कैजुअल में और इनफॉर्मल राइटिंग में इंटरजेक्शन हमारे एक्सेप्टेबल होते हैं. इट्स ऑल्सो ऑल राइट टू यूज़ देम इन अ कन्वर्सेशन. हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? कन्वर्सेशन में भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये क्या क्या बताता है? ये बता रहा है कि फर्स्ट, द इंटरजेक्शन फॉर्म्स अ सेंटेंस अलोन. तो क्या कह रहा है? इंटरजेक्शन, यहाँ पे मैं हाफ ही लिख देती, इंटरजेक्शन फॉर्म्स अ सेंटेंस अलोन. ये खुद अपना सेंटेंस बना सकता है. किसके साथ? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ. ठीक है, अगर हम दूसरा देखें तो ये क्या कह रहा है? ये बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस में होता है, बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है, तो क्या यूज़ होगा? कॉमा यूज़ होगा और हाइफ़न यूज़ होगा. हाइफ़न पता है इसको बोलते हैं, ठीक है, छोटा सा माइनस का निशान होता है, माइनस के सिंबल. एंड थर्ड क्या कह रहा है? इंटरजेक्शन अपीयर्स विद इन अ सेंटेंस. अगर वो विद इन अ सेंटेंस होता है, व्हेन इंटरजेक्शन विद इन अ सेंटेंस, तो क्या होगा? कॉमा भी यूज़ हो सकता है. क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम? कॉमा, ब्रैकेट और हाइफ़न को. ठीक है, और फोर्थ भी यहीं पे देख लेते हैं. फोर्थ केस क्या कह रहा है कि अगर वो एंड में होगा, इंटरजेक्शन एंड ऑफ अ सेंटेंस, तो क्या होगा? प्रिसीड इट विद अ कॉमा. उससे पहले क्या आएगा? प्रिसीड विद अ कॉमा और हाइफन. तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि रूल्स कौन कौन से होते हैं इंटरजेक्शंस के. एक बार भी जल्दी से देख लेते हैं. रूल नंबर वन क्या था? कि जब इंटरजेक्शन यूज हो रहा हो, पहले या बाद में स्टेटमेंट की कि वो बता रहा हो सेंटेंस में क्या हुआ है. रूल नंबर टू कह रहा है कि इंटरजेक्शन सिर्फ यस और नो भी करते हैं, नो भी करते हैं कभी कभी. और रूल नंबर थ्री क्या है? कि सम इंटरजेक्शन किस लिए यूज़ होते हैं? ब्रेक करने के लिए, कन्वर्सेशन को तोड़ने के लिए, मतलब बीच में ही होते हैं ये. और क्या होते हैं? थॉट होते हैं, ग्रैब अटेंशन, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ये कंफ्यूज थॉट को एक्सप्रेस कर रहा था. और रूल नंबर फोर में क्या था? कि कैजुअल और इनफॉर्मल राइटिंग के लिए इंटरजेक्शन एक्सेप्टेबल होते हैं. तो ये कुछ उस पर से बताया था कि अगर इंटरजेक्शन यहाँ है तो ये यूज़ होगा, बिगनिंग में है तो कॉमा हाइफन, एंड में है तो भी कॉमा हाइफन प्रिसीडिंग, बट और अगर इंटरजेक्शन विद इन अ सेंटेंस है तो कॉमा ब्रैकेट और हाइफन यूज़ होगा. आई होप आपको अभी तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा. जब तक के लिए आप रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू.